सो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट बुक, आर सिक्स क्लास बुक सोशल साइंस. ओके, एंड इन दिस वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और कब. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट आवर हिस्ट्री, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में जो लोग रहते थे वो कैसे रहा करते थे, क्या उनका खान पान था, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका पहनावा था, क्या उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन क्या चीज़ थे. तो इस चैप्टर में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले रशीदाज क्वेश्चन. देखिए रशीदा एक क्वेश्चन करती है, शी इज़ रशीदा, हेयर यू कैन सी द पिक्चर, इन द पिक्चर रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, अचानक से उसकी आंखें कहां पर पड़ी, एक छोटी हेडलाइन पर पड़ी जाकर के. 100 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले. हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, कि क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि कोई भी कैसे जानता है कि 1000 साल पहले, इतने टाइम साल पहले क्या हुआ होगा. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो देखते हैं कि क्या हुआ. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो को सुन सके, वॉच टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन देख सके, रीड अ न्यूज़पेपर भी आपने पढ़ा. लास्ट ईयर भी. आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, आपने जो किसी को पूछा कि भाई किस किस को ये चीज़ याद है. ठीक है, बट वट अबाउट लॉन्ग अगो, कि आपने एक दिन पहले कोई चीज़ की, ठीक है आपको याद है. एक साल पहले कोई आपने कोई चीज़ की, ठीक है आपको वो भी याद है. दो साल पहले भी आपने कोई चीज़ की, ठीक है वो भी याद है. लेकिन 1000 साल पहले की बात हो रही है कि किसने क्या किया होगा, किसको याद है. लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि है जो हम पास्ट के बारे में है जो कैसे जानते हैं, ठीक है क्या है जो हम पास्ट के बारे में जानते हैं अपना. ठीक है, वेयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हैं जो मिलती हैं. सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ ढूंढने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं. व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते होंगे. ठीक है, व्हाट पीपल एट, जो लोग खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो उस तरीके के कपड़े जो वो पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और वो घर जिनमें वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हार्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. हमें जो बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में, उनकी आजीविका के बारे में, उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं. जैसे हमारे हंटर्स हो गए, हमारे शिकारी वगैरह हो गए, हमारे हर्डर्स हो गए, हमारे फार्मर्स हो गए, हमारे रूलर्स हमारे जो है राजा महाराजा हो गए, हमारे मर्चेंट्स व्यापारी हो गए, हमारे प्रीस्ट हो गए, हमारे जो पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं हमारे. ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, हमारे आर्टिस्ट हो गए, हमारे म्यूजिशियन हो गए और साइंटिस्ट हो गए. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम उन गेम के बारे में भी हमें पता कर सकते हैं जो बच्चे खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, वो स्टोरीज जो वो सुनते थे. द प्लेज दे सॉ, वो प्लेज वो नाटक जो वो देखते थे. द सॉन्ग दे सेंग, और वो जो सॉन्ग जो वो गाते थे. वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा और मैप फर्स्ट, पेज नंबर टू पे हमें एक मैप मिलेगा जो नर्मदा रिवर का होगा, हमें वहाँ देखना है. पीपल हैड लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कि बहुत सारे कई हज़ारों सालों से जो लोग हैं नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, कि कुछ एक लोग जो यहाँ पर बहुत स्टार्टिंग में रहते थे, बहुत शुरू में रहते थे, वो कैसे थे, बहुत ही स्किल्ड थे गैदरर्स में. ठीक है, इकट्ठे होने में वो बहुत ही स्किल्ड थे. दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, कि वो लोग जो अपना जो फूड इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट, वो हर किसी प्लांट के बारे में जानते थे जो उसके आसपास, मतलब जितने भी पेड़ पौधे थे वो हर एक के बारे में जानते थे. कौन सा पेड़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा पेड़ उनके लिए एक औषधि के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में काम आ सकता है, किस पेड़ का वो फल खा सकते हैं और कौन सा पेड़ उनके लिए हानिकारक हो सकता है. एंड कलेक्टेड रूट्स, और वो उसकी रूट्स को है जो कलेक्ट कर लेते थे. फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड, ठीक है, और वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए उसकी रूट्स को, उसकी जड़ों को, फ्रूट को, और जो दूसरी जो जंगल की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल को भी हंट करते थे, एनिमल्स का भी शिकार करते थे वो.
नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है हमारा? अब देखिए नॉर्थ वेस्ट हमारा पड़ता है बिल्कुल इधर पे आकर के. अगर हम बात करें अपने हरियाणा की, हम बात करें अपने पंजाब की, हम बात करें अपने जो भी है हमारा हिमाचल, जम्मू, और ये नीचे तक हमारा जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है हमारा सारा का सारा, अगर हम इसको लेकर के चले हमारा गुजरात वगैरह तक का, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago are located here. कि कुछ एक एरियाज़ जहाँ पर सबसे पहली बार आदमियों ने और औरतों ने क्या किया था कि उन्होंने क्रॉप यानी कि फसल पैदा करनी शुरू की थी, जैसे कि उनकी जो गेहूं वगैरह होगी, जौ वगैरह हो गई, उनकी बारले मतलब जो होता है, जो कुछ 8000 साल पहले था वो यहाँ पर अभी स्थित है, वो प्लेस, वो जगह हमारी. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. कि लोग हैं जो वो rear करना शुरू कर देते थे, लोगों ने यहाँ जो पालने शुरू कर देते थे कुछ एक animals को, जैसे sheep हो गई हमारी, भेड़ वगैरह, goat हमारी बकरी हो गई, cattle हमारे जो जानवर हो गए, पशु होते हैं जो हमारे, वो हो गए, and lived in villages, और वो गाँव में रहना शुरू कर देता. Look at the Garo Hills to the north east and the Vindhyas in central India. जो Vindhyas पर्वत है हमारा, Vindhyas जो जो हमारी पर्वतमाला है उसको हम है जो डिवाइडर रेंज भी कहते हैं, ठीक है, डिवाइडर रेंज, क्योंकि वो नॉर्थ को हमारा जो नॉर्थ वाला इंडिया है, ऊपर वाला इंडिया है, और जो साउथ वाला इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर का काम करती है, इनको बांटने का काम करती है. तो ये बोलते हैं कि गारो हिल्स को ढूंढ के दिखाओ. गारो हिल्स कहाँ है आपके? नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ता है हमारा? आसाम हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, सिक्किम वगैरह जितने भी हमारे, मेघालय, नागालैंड हमारा, ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये भी कुछ एक एरियाज है जहाँ पर, अब देखिए आप लोगों को ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ वाला एरिया है जो हमारा, ये सारे सारे यहाँ से, इस यहाँ से क्रॉस कर करके ये यहाँ, यहाँ वाला वो एरिया है जहाँ पर सबसे पहले आदमी और औरत ने क्या करना शुरू किया था, वीट और बार्ले की खेती करना शुरू की थी. अब देखिए ये हमारा गारो हिल्स रहा, गारो हिल्स, ठीक है, कहाँ पड़ता है हमारा? आसाम में पड़ता है हमारा गारो हिल्स. तो ये हमारे यहाँ से आसाम होंगे, ठीक है. उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी होगी हमारी. अब देखिए विंध्या पर्वत जो है हमारा वो कहाँ पर है? देखिए विंध्यास लिखा हुआ है, विंध्यास, इसके ठीक नीचे सतपुड़ा है और फिर ताप्ती रिवर है, तो ये हमारा विंध्यास रिवर हो गया, ठीक है, विंध्यास पर्वत हो गया, सॉरी. चलते हैं नेक्स्ट. एग्रीकल्चर डेवलप्ड, कि कुछ एक एरिया में वहाँ पर जोगारो वाला जो हमारा एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा एरिया है, वहाँ पर भी क्या हुआ था, कुछ एक फसल पैदा हुई थी हमारी. द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, और वो पहला प्लेस जहाँ पर सबसे पहली बार राइस हमारी जो पैदा की गई थी वो कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, वो विंध्यास पर्वत के नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश वगैरह की अगर हम बात करें वहाँ पर. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller river that flows into a larger river. तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेस कीजिए आप इंडस रिवर को, यानी कि सिंधु रिवर को, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज, इसके जो सहायक नदियाँ हैं उनको. अब देखिए सर ट्रिब्यूटरी बताया, ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं? जब एक बहुत बड़ी नदी से कई छोटी छोटी नदियाँ निकल जाती हैं, ठीक है, ये कई छोटी छोटी नदियाँ आकर के उसमें मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं उसकी, ठीक है, तो ये होता है हमारी सहायक नदियाँ. अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स, कि 4700 साल पहले है जो कुछ एक है जो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, वो इन बैंकों के किनारे पर, इन है जो वो बैंक्स के किनारे पर, इन नदियों के किनारे पर है जो वो फले फूले. लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, कि 25000 साल पहले फिर क्या हुआ, ये जो शहर थे ये कहाँ पर? गंगा नदी के रिवर पर, गंगा नदी के किनारे पर भी बसना शुरू हो गए, और इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके आसपास भी ये नगर है जो फिर बसना शुरू हो गए, विकसित होना शुरू हो गए, और कुछ एक कहाँ पर थे? सी कोस्ट के आसपास में, ठीक है, समुद्र के जो तट है उसके आसपास में बसना शुरू हो गए. Look at the Ganga and its tributary called the Son. कि जो गंगा और इसके tributaries हैं उनको क्या बोलते हैं? Son बोलते हैं. In ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. कि ancient time में जो ये जो हमारा जो area है जो गंगा river से लगता है, ठीक है, south गंगा से लगता है, इसको हम क्या बोलते थे? मगध बोलते थे. और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद थे हमारे, और उन 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली हमारा जो जनपद था वो मगध जनपद था, ठीक है, और जितने भी हमारे जो है जितने भी हमारे
अगर हम बात करें कि बहुत बड़े बड़े महान राजा हुए हैं हमारे, वो सारे मगध से ही निकल करके आए हैं, और मगध बहुत समृद्ध भी था। क्यों था समृद्ध? क्योंकि यहाँ पर घने जंगल थे, पानी था, लौह खनिज था, हाथी थे, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। चलते हैं नेक्स्ट। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसका जो रूरल था वो बहुत पावरफुल थे, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने क्या कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे साम्राज्य हैं, वो इस कंट्री के दूसरे पार्ट में भी है जो वो एस्टेब्लिश किए गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, अब लोग क्या थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जो ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल, कि बहुत सारी चीज़ों ने, बहुत सारी हिल्स हैं, बहुत सारी ऊंचे ऊंचे जो हमारे पहाड़ हैं, जैसे हिमालय हो गया, डेजर्टेड एरिया हो गया, हमारा रेगिस्तान हो गया, इसकी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हो गई हमारी, इन सब ने है जो इस जर्नी को, इस यात्रा को डेंजरस तो बनाया, ठीक है, इसको है जो वो खतरनाक तो बनाया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बनाया कि इसको पार ना किया जा सके, ठीक है। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स, कि इसलिए मैन और वुमेन ने मूव करना शुरू किया अपने आजीविका कमाने के लिए, और साथ में नेचुरल डिजास्टर, ये जो भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह हमारे जो फटते हैं, जो नेचुरल कैलमिटीज़ होती है हमारी, इनसे बचने के लिए, ठीक है, जैसे फ्लड्स हो गए हमारी, बाढ़ वगैरह हो गए, ड्राउट, सूखा वगैरह हो गया। Sometimes man marched in armies conquering others' lands. कुछ टाइम है जो कभी कभी क्या होता था कि जो मैन थे ना वो मार्च करते थे एक आर्मी की टीम में, जैसे जो हमारी सेना चलती है इस तरीके से मार्च करते थे किसी भी लैंड का जो कंक्वायर करने के लिए, जीतने के लिए। Besides, merchants traveled with carnavas or ship carrying valuable goods from place to place. कि इसके अतिरिक्त क्या थे, जो हमारे merchants थे वो travel करते थे carnavas के through. Carnavas क्या होता है हमारा, जब हम एक बहुत बड़ा ship होता है जो हमारा पानी में चलता है, पानी वाला जहाज हम जिसको बोल देते हैं, उसके अंदर जो हमारा घर वगैरह बना हुआ होता है, टेंट वगैरह लगा करके बहुत अच्छे से, या उसमें जो रूम वगैरह बने होते हैं उसको हम carnavas बोल देते हैं, ठीक है। और ship, और उस ship में carrying valuable goods जो है, जो उसमें बहुत कीमती सामान वो रखते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर है जो जाकर के उसको बेचते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम अ विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और जो रिलीजियस टीचर थे हमारे, जो धार्मिक गुरु थे हमारे, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से दूसरे टाउन पर है जो वो रुकते हुए और चलते रहते थे, इंस्ट्रक्शन देते हुए लोगों को कि किस तरीके से उनको है जो वो एडवाइस देते थे कि किस तरीके से कोई चीज़ उन्होंने करनी है। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure. कि finally, कि अंत में क्या हुआ कि अतः जो सभी लोग थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर है जो वो by a spirit of adventure, यानी कि एक साहस, एक उम्मीद लेकर के, ठीक है। Wanting to discover new and exciting places, वो चाहते थे कि वो डिस्कवर करें न्यू और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो प्लेस होते हैं उनको ढूंढे। All these led to the sharpening of ideas between people, और ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में, सॉरी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, ये सारी जो चीज़ें थी ये लोगों के बीच में क्या थी कि एक ऐसा आइडिया को लेकर के आए ताकि लोग अपने व्यूज़, लोगों ने अपनी जो बातें हैं वो शेयर करनी शुरू कर दी एक दूसरे के साथ में। आगे देखिए, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, आज के टाइम पर लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, कि दोबारा से आप मैप वन को देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और देखिए कि किस तरीके से जो हिल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं हमारी, पीक्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हमारी, माउंटेन्स हैं हमारे बहुत बड़े बड़े, पहाड़ हैं, समुद्र हैं हमारे बहुत बड़े बड़े, ये जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, जो नेचुरल बाधाएँ हैं हमारी, ये हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई हुई हैं। While it was difficult to cross these frontiers, और ये बहुत मुश्किल है कि इन frontiers को हम cross करें, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas, कि वो लोग जो चाहते थे इन्होंने करना, उन्होंने किया भी है, उनको स्केल भी किया, उनको मापा भी है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को मापा भी है, बहुत बड़े बड़े समुद्रों को, बहुत बड़े बड़े सागरों को उन्होंने क्या किया है, पार भी किया है। People from Across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. लोग जो बहुत दूर दूर से उन frontiers से जो लोग आए भी हैं यहाँ पर हमारे इसमें, जो इसे subcontinent में, और यहाँ पर आकर के settle down भी हो गए हैं, यहाँ पर आकर के बस भी गए हैं। These movements of people enriched our culture traditions. और ये जो movements है लोगों का, इस तरीके से जो लोगों की वहाँ से यहाँ आना है, इसने क्या किया, हमारे culture को enrich कर दिया है, इसके tradition को enrich कर दिया है। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food for several hundred of years. कि
इतने लंबे टाइम से ही लोग बाहर से हमारे यहाँ पर आकर के बस रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, क्योंकि आइडियाज़ शेयर किए हैं हम लोगों ने, तो कुछ एक हमारे आइडियाज़ उन्होंने अडोप्ट किए, कुछ एक उनके आइडियाज़ हमने अडोप्ट किए। वो क्या क्या थे कि किस तरीके से हमें जो स्टोन को कार्व करना है, किस तरीके से हमें म्यूज़िक को कम्पोज करना है, कैसे हमने खाना बनाना है, ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आगे है नेम्स ऑफ द लैंड, तो ज़मीन के नाम देखिए। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ और फॉर आर कंट्री वी आर इंडिया एंड भारत, इंडिया एंड भारत, ठीक है, कि दो वर्ड हम हमेशा से यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो क्या है, इंडिया और भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, अब जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस से आया है, कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, अब आप है जो क्या ढूंढो, अपने एटलस पर ढूंढो ईरान और ग्रीस, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द ईरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, कि वो ईरानियन लोग, वो ग्रीक एंड जो वो ग्रीक लोग जो यहाँ पर है, जो वो आए थे नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले यहाँ पर जो आए थे, और जो इंडस रिवर से फेमिलियर थे, जो जानते थे इंडस रिवर को, कॉल्ड इट द हिंडोज और द इंडोज, उन्होंने क्या बोला था इसको, इंडोज और हिंडोज बोला था, यानी कि इंडिया का जो नाम है वो ग्रीस पीपल की देन है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये ग्रीस लोगों ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया था। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो लैंड थी ईस्ट ऑफ द रिवर, जो उस रिवर के ईस्ट में पड़ती थी, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, इंडिया नाम दे दिया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा, और जो भारत वर्ड यूज़ किया गया है ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कहाँ रहते थे, जो वेस्ट में रहते थे, और जिनका जिक्र है ऋग्वेद में भी किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, कि सबसे पहले है जो ये इस चीज़ को है जो इसको जो ये जो हमारा ऋग्वेद है ये क्या है, अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ये कंपोज की गई हमारे संस्कृत में लिखी गई बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत बड़ा हमारा पुस्तक है ये, ठीक है। चार तरीके के वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे नया, सॉरी अथर्ववेद सबसे नया है, गलती, माफ़ी चाहूँगी मैं अपनी गलती की। तो जो अथर्ववेद है वो सबसे नया है, ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, और ऋग्वेद में ही हमारी गायत्री मंत्र का जिक्र भी किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जिसकी डेट कितनी है, 3500 साल पुरानी है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में इसको है जो कंट्री के लिए यूज़ किया गया भारत को। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब देखिए पास्ट के बारे में कुछ ढूंढते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने पास्ट को ढूंढ सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, कि एक तो ये है कि हमें जो वो बुक्स को पढ़ें जो बहुत टाइम पहले लिखी गई हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, उनको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये हाथ से लिखी जाती थी। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू मीन्स हैंड, और ये है जो हाथ से लिखी जाती थी, जो है जो मनु है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है हमारी, मनु से निकली है, जो है जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाथ होता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये पाम लीफ पर है जो हमेशा अच्छे से जो लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च, और जो बर्च नाम की जो बार्क, जो छाल होती थी किसी पेड़ की, उस पर लिखी जाती थी। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कहाँ पैदा होते हैं, हिमालय में पैदा होते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी, कि बहुत सारे टाइम से है जो वो कुछ एक मैन्युस्क्रिप्ट हैं हमारी, वो है जो कीड़ों के द्वारा खा ली गई हैं, कुछ एक है जो नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, लेकिन बट मैनी, लेकिन अभी भी कुछ है जो वो हैव सर्वाइव्ड, अभी भी कुछ एक जिंदा है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जिसको है जो बचा करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है, सुरक्षित करके रखा गया है टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। These books dealt with all kinds of subjects. ये books है जो हर तरीके के subject के साथ deal करती हैं, religious belief and practices. Religious belief है लोगों के, धार्मिक जो विश्वास हैं लोगों के, उनके जो प्रथाएं हैं, उनके जो practices हैं उनके साथ में, the lives of king, राजाओं के जो जिंदगी के बारे में, medicine के बारे में, science के बारे में, ठीक है। कि यानी कि वो सारी books हैं जो हमारी, जितनी भी books हैं, जितने भी manuscripts हैं, वो उनमें हर किसी के बारे में लिखा हुआ है।
बीसाइड्स इसके अलावा देयर वर एपिक्स पोइम्स प्लेज मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. बहुत सारे हैं जो एपिक है हमारे पास, बहुत सारे पोइम हैं, बहुत सारे प्लेज हैं और इनमें से कई एक ज़्यादा तो हैं संस्कृत में लिखे गए हैं. अदर्स वर इन प्राकृतिक लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल. और बहुत सारे हैं हमारे लिए जो प्राकृतिक में और तमिल में लिखे गए हैं, जो प्राकृतिक भाषा थी उस टाइम पर है, जो आम लोग चाल की आम लोक की जो भाषा होती है हमारी, बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, वो लैंग्वेज थी हमारी. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. हम इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल. ये किस पे बहुत बड़े बड़े, या तो स्टोन पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, या फिर हम मेटल्स पे लिखते थे इनको, धातुओं पे लिखते थे अपने, ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे किसी के घर के बाहर जो नंबर प्लेट लगा दी जाती है एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर, और उस पर नाम लिख दिया जाता है कि दिस इज हाउस, जो भी है बंदे का नाम होता है, शर्माज हाउस या हम बोलते हैं संधूज हाउस, कुछ भी लिखा जाता है. तो ये सेम चीज़ हमारी है जो कहाँ पर स्टोन्स पर ऐसे ही लिखी जाती थी. समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम. कुछ कई बार तो क्या करते थे कि जो राजा होते थे वो अपने आदेश को भी इंस्क्राइब कर देते थे, अपने आदेश को भी जो छपवा देते थे ताकि लोग उनको देखें, पढ़ें और उनको उनकी पालना करें. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड वट दे डिड. और यहाँ पर बहुत सारी तरीके की जो इंस्क्रिप्शन है हमारे पास में लिखी हुई, जो रिकॉर्ड है हमारे पास में, वो ये है कि जो राजा थे या रानी थे वो जो भी काम करते थे, जैसे आप लोगों ने अशोका के बारे में सुना होगा, अशोकन है जो इतने सारे स्तंभ खिदवाए हैं, शिलालेख लगवाए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी चट्टानों के ऊपर लिखे हुए उसके कारनामे हैं कि उसने क्या किया, कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद उसने सारी सारी लड़ाइयाँ त्याग दी अपनी, तो ये सारी बातें वो लिखवाते थे. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे किंग्स थे वो क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे अपनी, जो बैटल था उनका, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे वो, उनका रिकॉर्ड रखते थे. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस. क्या आप सोच सकते हो कि इसका क्या एडवांटेज होता होगा कि हम किसी इतनी कठोर चीज़ पर है जो कुछ भी लिखवा देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो. एंड वट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है जो आई होंगी उस टाइम पर है जो वो मतलब होती हैं लिखने में और जो भी कुछ करने में. देर वर मैनी अदर थिंग्स एंड वर मेड एंड यूज इन द पास्ट. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई गई थी और यूज़ की गई थी पास्ट में. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. वो बंदे जो इस स्टडी को पढ़ते थे या उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती थी, उनको हम क्या कहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे, यानी कि पुरातत्वविद कहते थे. They study the remains of buildings made of stones and bricks, paintings and sculptures. वो लोग क्या करते थे, जो buildings वगैरह होते थे, जो stones होते थे, bricks होती थी हमारी, ईंटें होती थी, paintings होते थे, sculptures होते थे, उनके जो remains होते थे उन सबको है जो पढ़ते थे, उन सबको देखते थे. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. कि वो लोग क्या करते थे कि और भी ज़्यादा है जो एक्सप्लोर करते थे, देखते थे, जांच पड़ताल करते थे चीज़ों की, एक्सवेट करते थे चीज़ों को, ग्राउंड को खोदते थे, धरती को नीचे से खोद करके देखते थे कि उसके अंदर क्या टूल्स निकले हैं, क्या हथियार निकले हैं, कौन से वेपन्स हैं, कौन से पोर्ट्स हैं, किस तरीके के ऑर्नामेंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें निकली हैं. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन. कुछ एक चीज़ें इनमें से होती थी जो कैसी बनी होती थी, पत्थर की बनी होती थी. अदर्स ऑफ बोन, और कुछ एक इनमें से हड्डियों की बनी होती थी. बेक्ड क्ले और मेटल्स, कुछ एक जो बेक की हुई होती थी, जो क्ले की और मेटल की बनी हुई होती थी. ऑब्जेक्ट्स that are made of hard imperishable substances usually survive for a long time. और वो चीज़ें जो हम है जो hard object पर लिख देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसकी लंबी अवधि तक बने रहने की है जो संभावना होती है. जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये पोर्ट्स वगैरह हैं, ये कुछ एक जो भी चीज़ें हैं हमारी, ये आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा ढूंढी गई हुई होती हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या देखते थे कि वो एनिमल्स की बोन्स भी देखते थे, बर्ड्स एंड फिश, बर्ड्स की और फिश की, टू फाइंड आउट वट पीपल एट इन द पास्ट. ये देखने के लिए कि लोग क्या क्या खाते थे उस टाइम पर के, ठीक है. तो उनको बहुत सारे बर्ड्स की बोन भी मिली हैं, हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है. उसके बाद है प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली. कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही कम है जो वो रह गए थे, सर्वाइव किया उस टाइम के प्लांट्स ने. इफ़ सीड्स और ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्नट. अगर है जो वो सीड है, ठीक है, किसी भी ग्रेन का जो बीज है, ठीक है, अनाज का बीज है, अगर पीसेज हैं किसी भी वुड के, किसी भी जंगल के, लकड़ी के, तो वो है जो जला दिए गए थे, ठीक है, हैव बीन बर्नट, वो जला दिए गए. दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म. वह जो चार्ड फॉर्म में अभी हमें मिले हैं. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट. क्या आप सोचते हैं कि उनको जो कपड़े वगैरह जो भी हैं मतलब वो भी कैसे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे. तो देखिए क्या है. हिस्टोरियंस दैट इज अ स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट. हिस्टोरियन कौन होते हैं,
हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो पास्ट को स्टडी करते हैं। और हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री भी हमारी वही होती है कि जो पास्ट में हमारे पास हुआ हुआ होता है, जो कुछ भी बीत चुका है हमारे साथ हुआ है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, कि उन लोगों को जो भी कुछ भी उनको जानकारी मिलती थी उस इंफॉर्मेशन को वो क्या बोलते थे, सोर्स बोलते थे। सोर्स का मतलब होता है कि सत्रों होते कि ये वो चीज़ें मिली हैं जिनके बिहाफ पर, जिनके बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ उस टाइम की है, इतने टाइम पुरानी है, ये हमें आज मिली है। तो वो सोर्सेज, वो मैनुस्क्रिप्ट, वो इंस्क्रिप्शंस, वो आर्कियोलॉजी का जो सर्वे, उन सबको वो क्या बोलते हैं, सत्रोत बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। वंस सोर्स आर फाउंड, मिल गया, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, कि जो पास्ट को लर्न करना एक साहस बन जाता है, एक एडवेंचर बन जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, आज हम इसको है जो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्स लाइक क्ल्यू टू फाइंड आउट अबाउट आर पास्ट। और इसी तरीके से जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या बन गए हैं कि वो डिटेक्टिव बन गए हैं, कि उन्होंने इतने सारे क्ल्यूज ढूंढ करके निकाले हमारे पास्ट के। वन पास्ट और मैनी, कि एक पास्ट या बहुत सारे पास्ट। डिड यू नोटिस द लिटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने नोटिस किया है, टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक का टाइटल नोटिस किया है, आर पास्ट, हमारा पास्ट, हमारा अतीत। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्या आप लोग देखते हैं कि आप लोगों ने इसका टाइटल नोट किया है, हमारा पास्ट यानी कि हमारे अतीत, ठीक है, यानी कि हमने पास्ट यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है, ये प्लूरल फॉर्म में लिया गया है क्योंकि इस चीज़ पर ध्यान दिलाने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पास्ट हुए हैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल द लाइफ्स ऑफ हार्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, कि जो हार्डर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, उनकी लाइफ अलग थी किंग और क्वीन से। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो मर्चेंट थे, हमारे व्यापारी थे, उनकी लाइफ अलग थी हमारे क्राफ्ट पर्सन से, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से सभी की। Also, as is true even today, people followed different practice and custom in different parts. कि आज भी जो लोग हैं वो अलग अलग पास्ट पार्ट पे है इंडिया के, अलग अलग तरीके का कस्टम, अलग अलग तरीके का ट्रेडिशन है जो फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कि आज भी हम बात करते हैं कि अंडमान आइलैंड पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपना जो खाना है वो कैसे लेते हैं, या तो फिशिंग से लेते हैं, या शिकार वगैरह करते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करते हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट। और इसके विपरीत मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाइंग ऑफ फूड, कि बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब गांव का किसान उठेगा, अपने जो अनाज है उसका जो मंडी में पहुंचाएगा और हम उसको खाएंगे। डिफरेंसेज सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, कि डिफरेंसेज आज भी हुई हैं जैसे कि जो पास्ट में थे हमारे पास। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेज, इसके अलावा और तरीके के डिफरेंस है हमारे पास। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट बिकम बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, कि आज हम उन बैटल्स के बारे में जानते हैं, आज हम उन राजाओं की लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड को है जो बनाए रखा है। जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फोक गैदरर्स, फार्मर्स और हार्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, कि आमतौर पर जो राजा महाराजा लोग थे उन्होंने तो अपना जो रिकॉर्ड कायम रखा, लेकिन जो सामान्य लोग थे, जो फार्मर थे, जो हंटर थे, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है जो भी उन्होंने किया है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, कि यद्यपि हमें आर्कियोलॉजी लोगों ने, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे कुछ बताया उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो रह जाता है। वट डू डेट्स मीन्स, कि डेट का क्या मतलब होता है, तारीखों का क्या मतलब होता है। इफ़ somebody asks यू द डेट, अगर कोई तुमसे डेट पूछे, तारीख पूछे, यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे, तुम है जो किसी दिन को बताओगे, मंथ को बताओगे, या किसी साल को बताओगे, 2000 and something, 2000, और इसके अलावा और कुछ भी बता सकते हो। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ये जो सारी सारी डेट्स हैं वो काउंट की जाती हैं जनरली कब से, जब है जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तब से है जो वो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के है जो वो फाउंडर था तब से ये काउंट की जाती हैं। सो 2000 मीन 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसलिए 2000 का मतलब है कि 2000 साल है जो वो बाद में क्रिश्चियन जो क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स आर एंड यूजली हैव द लेटर BC, यानी बिफोर, और जो उनके जन्म के पहले की जो डेट हैं वो सारी उल्टी चलती हैं, ठीक है।
added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. कि इसमें हम है जो वो डेट्स को है जो आप लोगों ने देखो ना बीसी का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है. तो ये आज तक का हमारा ये यहाँ पर चैप्टर था. होप्स हो कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा. अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.